हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। अगर आप पोको X2 के यूज़र हैं और अपने फ़ोन के अंदर जो है TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं और रूट करना चाहते हैं, देन आज का वीडियो आपके लिए है। TWRP रिकवरी और फ़ोन को रूट करने के लिए पहले आपका फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि पोको X2 के बूटलोडर कैसे अनलॉक करेंगे। तो अब बात करेंगे कि कैसे आप TWRP कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप फ़ोन को रूट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है पोको X2 और आज इसके अंदर मैं आपको TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे आप फ़ोन को रूट करेंगे। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए और कुछ फाइलें चाहिए। तो दो फाइलें तो आपको अपने फ़ोन के अंदर चाहिए। कौन सी दो फाइलें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन दोनों फाइलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तो चाहिए आपको बूट इमेज जो कि 17.66 MB की है, और एक मैजिक APK जो कि 2.14 MB की है। इन दोनों फाइलों को आप फ़ोन के अंदर सेव कर देंगे। फ़ोन के अंदर सेव करने के बाद आपको अपने फ़ोन को पासपोर्ट मोड पर लेके आना है। तो उसके लिए पहले हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, पावर ऑफ, स्विच ऑफ। जैसे ही आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, वॉल्यूम डाउन और पावर के बटन को प्रेस रखेंगे और आपका फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड पे बूट करेगा, जिस पे आपको फास्ट बूट मोड लिखा हुआ आएगा और मी बनी की फ़ोटो बनी होगी। कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके फ़ोन के ऊपर आ जाती है। अब सिंपली आपने क्या करना है, जो आपको अपने फ़ोन के साथ USB टाइप सी केबल मिली है उसको अपने लैपटॉप या PC के साथ आप कनेक्ट कर देंगे और अपने फ़ोन को छोड़ देंगे। आप चलते हैं PC के ऊपर। तो ये देखिए, PC के ऊपर आप कुछ फाइलें देख पा रहे हैं। ये तो वो दो फाइलें हैं, बूट इमेज और मैजिक APK, जिनको हमने फ़ोन के अंदर सेव कर लिया। अब चाहिए आपको ADB सेटअप फाइल्स। इसको डबल क्लिक करेंगे और अपने लैपटॉप या PC के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे ये स्क्रीन आएगी, इस पर आप Y लिखते रहेंगे और एंटर करते रहेंगे। सारे के सारी चीज़ों को आप इंस्टॉल करेंगे, जिससे आपके USB ड्राइवर जो है आपके PC के ऊपर वो अपडेट हो जाएंगे और ADB ड्राइवर जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल होंगे। उसके बाद आपने ये प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर इसको लेके एक बार अनजिप कर लेना है, यानी एक्सट्रैक्ट हेयर, और आपको कुछ ऐसा फोल्डर अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फोल्डर आपने क्रिएट कर लिया। अब ये जो आपके पास पोको X2 की कस्टम रिकवरी है, इसको आपने लेना है, कॉपी करना है और जो फोल्डर क्रिएट किया था उसमें जाके आपने पेस्ट कर देना है प्लेटफॉर्म टूल्स के फोल्डर में। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये जो ऊपर प्लेटफॉर्म टूल्स है यहाँ पर लिखना है CMD और एंटर कर देना है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन दबाइए और ब्लैंक स्पेस जो होता है उस पर राइट क्लिक करके आपको आएगा ओपन पावर शेल या कमांड विंडो, जो भी एक आता है। मेरे में दोनों आ रहे हैं, आप में अगर एक भी आ रहा है तो किसी को भी क्लिक कर लिए। मैं ओपन कमांड विंडो हेयर कर लेता हूँ और ये विंडो आपके सामने खुल जाती है। अब सिंपली अपनी कमांड रन करनी है, फास्ट बूट डिवाइसेस, और एंटर कर देना है। आपको कुछ सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। ऐसा सीरियल नंबर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपके ड्राइवर जो है अपडेटेड नहीं है। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप ADB और फास्टबूट ड्राइवर को सेटअप करेंगे, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हमारा फ़ोन जो है कनेक्टेड है, तो अब हमको कमांड रन करनी है फ्लैश करने के लिए, फास्टबूट फ्लैश रिकवरी, और रिकवरी का नाम लिख देना है। अगर नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो पोको X2 की रिकवरी को आप ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। रिकवरी के बाद स्पेस होना चाहिए और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आएगा सेंडिंग रिकवरी, राइटिंग रिकवरी, और आपकी जो रिकवरी है वो आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश हो चुकी होगी। देखिए देखिए, रिकवरी फ्लैश हो गई है। अब हम फ़ोन को इस रिकवरी के ऊपर बूट करेंगे, तो उसकी कमांड होगी फास्ट बूट बूट, सिंपली रिकवरी का नाम लिखना है या फिर ड्रैग कर दीजिए स्पेस के बाद और एंटर कर दीजिए। मेरी कमांड गलत हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, मैं फिर से लिखता हूँ, फास्ट बूट FASTBOOT बूट, और रिकवरी को ड्रैग कर देते हैं हम यहाँ पे और एंटर। तो देखिए डाउनलोडिंग बूट। अब आपका जो फ़ोन जो फास्ट बूट मोड पे था तो फ़ोन पे चलते हैं, वो ऑटोमेटिकली रीबूट होगा और रिकवरी मोड पे आ जाएगा। तो अब हमारा PC के ऊपर जो है काम ख़त्म हो गया है। अब हम फ़ोन पे चलते हैं। अब हमारा फ़ोन जो है कुछ ही देर में देखिए रिकवरी मोड पे आ चुका है। कुछ आपको इस तरीके की स्क्रीन आपको अपने फ़ोन के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगी। शुरू शुरू में आपको एक यहाँ पे एक अलग सी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे राइट साइड पे एक बटन होता है लैंग्वेज का, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इसको चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको ये सारे बटन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहली चीज़ तो आपने क्या करनी है, बैकअप पे जाइए और सभी पार्टीशंस का जो है बैकअप लेके अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, और उसके बाद जो है अपने फ़ोन के अंदर आपका एक TWRP का फोल्डर होता है उसको कहीं पे सेव कर लीजिए अपने PC या लैपटॉप में, क्योंकि ये फाइल्स जो है कभी ना कभी आपके बहुत काम आती हैं। तो सभी पार्टीशंस का बैकअप लेके एक बार ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसे आपके फ़ोन के सेंसर के रिलेटेड होता है, IMEI नंबर से रिलेटेड होती है, कभी ना कभी कुछ गलती हो जाती है, तो आप इन फाइलों को बाद में यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो बैकअप ज़रूर
ले लीजिएगा इन सभी फाइलों का। तो ये तो हो गया रिकवरी, हमने इंस्टॉल कर लिया। अब रिकवरी को परमानेंट करने के लिए आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे जाना है। इंस्टॉल पे जाके ये जो इंस्टॉल इमेज का बटन है इस पे टैप करना है। अब जो आपने जो बूट इमेज फाइल सेव कर रखी थी ये वाली बूट इमेज, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और बूट के ऊपर फ्लैश कर देंगे। तो बूट को सिलेक्ट करना है एंड स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। तो ये देखिए इमेज फ्लैश कम्प्लीटेड, ये फाइल भी हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। अब रीबूट सिस्टम कर देंगे। इस दौरान आपका फ़ोन जो है एक से दो बार रीबूट होगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको दो तीन के अंदर रैंडम रीबूट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारा फ़ोन जो है सक्सेसफुली बूट हो सके। तो ये देखिए फाइनली हमारा फ़ोन जो है बूट हो चुका है। अब सिंपली क्या है, TWRP आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो गई। अगर आप रूट करना चाहते हैं तो फाइल मैनेजर पर जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाके जो आपकी जो मैजिक APK की फाइल आपने सेव की थी उसको टैप करेंगे और उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे, जिससे ये होगा कि मैजिक मैनेजर जो है आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और जो बूट इमेज हमने जो पैच्ड बूट इमेज थी वो फाइनली वर्किंग हो जाएगी इस मैजिक मैनेजर के साथ। तो ये देखिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करते ही आपके सामने जो आपका मैजिक मैनेजर खुलेगा और ये इस तरीके का पेज आएगा कि आपका फ़ोन जो है सक्सेसफुली रूट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने पोको X2 के अंदर TWRP कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको रूट भी कर सकते हैं। इस टाइम पर जो मैजिक की जिप फाइल को हम फ्लैश करते थे वो मेथड काम नहीं कर रहा है कि TWRP फुली सपोर्टेड नहीं हो पा रही है इस टाइम पर पोको X2 के साथ। तो जैसे ही वो फुली सपोर्टेड हो जाएगी, जिसमें मैजिक को वर्जन चल पड़ेगा, तो मैं उसका भी अलग से वीडियो बना देगा। बट इस टाइम पे आप वर्किंग मैजिक मैनेजर अपने पोको X2 में पा सकते हैं इस तरीके से। सिर्फ एक बूट इमेज जो बेस्ट बूट इमेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा है, उसको आपने एक बार अपने बूट में फ्लैश करना है। आगे चल के पोको X2 से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, जैसे Xiaomi EU का जो बीटा रेम होता है चाइना बीटा, उसके ऊपर वीडियो आएगा और काफी सारे आपको कस्टम रोम्स भी मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।